आपको बता दूं सर, जिस समय मैं एलईडी टीवी इन्वर्टर बैटरी लेकर चला, सबसे पहले तो लोग देखा करते थे, और कई बार ऐसी भी घटना हुई कि अरे फेरी वाला इधर आओ, क्या रखे हो करके। तो हमने उनको बताया कि मैं फेरी वाला नहीं हूँ, मैं सिनेमा वाला बाबू हूँ, सिनेमा वाला गुरुजी, और बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टेक्नोशाला फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल टीचर कहानी नामक शो। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार जी, जिनकी पहचान पूरे देश में सिनेमा वाले बाबू के नाम से है। अशोक जी अभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय फाटपानी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है एक अध्यापक के रूप में। तो आइए जानते हैं अशोक जी का सफर, कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया है शिक्षा के कार्यों में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, अच्छा हूँ सर जी। अशोक जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी कुछ दिनों पहले तक पहचान अशोक कुमार जी के नाम से थी, अभी सिनेमा वाले बाबू के नाम से हो गई, तो इसके पीछे की क्या कहानी है वो थोड़ा हमें बताइएगा। पहले जो है अशोक सिंह लोधी के नाम से मुझे जाना जाता था। अभी मार्च 2020 से जब से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा, उस दौरान सबसे पहले तो वर्चुअल क्लास प्रारंभ हुआ, और उस वर्चुअल क्लास में एंड्रॉइड मोबाइल बच्चों के पास बहुत कम हुआ करता है और बच्चे बहुत कम जुड़ते। इसके पश्चात जैसे ही मोहल्ला क्लास प्रारंभ हुआ, उस दौरान हमने एलईडी टीवी के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया, और वो एलईडी टीवी जो है अपने मोटरसाइकिल में ही बांध कर, इन्वर्टर और बैटरी टीवी सेट बांध कर हमने पढ़ाना शुरू किया। उस दौरान इस गतिविधि का नाम हमने स्वयं रखा सिनेमा वाला बाबू। बच्चे जो है मोबाइल और टीवी से बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, जिसके कारण हमने सिनेमा वाला बाबू रखा। और आज हमारे गांव के ही नहीं, शहर, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ और हमारे भारत के कई राज्यों तक मुझे सिनेमा वाला बाबू के नाम से जानते हैं। आपको लोग अभी सिनेमा वाले बाबू के नाम से पुकारते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे एक अलग पहचान मिली, जिससे सिनेमा वाले बाबू के नाम से, सिनेमा वाले गुरुजी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि एक अलग नाम मिला। और मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक अलग पहचान मिली, और बच्चों तक, अपने स्कूल के बच्चों तक ही नहीं, अन्य स्कूल के बच्चों तक भी मैं जाकर पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो आपने कभी सोचा था कि आपकी एक अध्यापक के रूप में पूरे देश में इस तरीके की पहचान बन पाएगी? जी नहीं सर, हमको तो ये नहीं लगा था। हमको ये लग रहा था कि हम अपने विद्यालय, अपने विकासखंड जिले तक ही मुझे जान पाएंगे, पर जब आज सभी देश के लोग जानने लगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे, मेरी इस तरह से पहचान बन पाएगी और मुझे जान पाएगी। तो सर, हम इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके से रही, और आपका शिक्षा प्रारंभ में किस तरीके से हुआ, और एक अध्यापक का सफर जो है वो आपका किस तरीके का रहा? सबसे पहले तो मेरी नियुक्ति सन 1998 में हुई गुरु जी के पद पर, और उस समय जो हमारा विद्यालय था शिक्षा गारंटी केंद्र के नाम से जाना जाता, उस समय गुरु जी के पद में मैं कार्यरत था, और 500 रुपए प्रति माह मुझे मिलती थी। इस पद का सफर काफी समय तक चला। इसके पश्चात 2003 और 4 में संविदा नियुक्ति के पद पर पुनः कार्यरत हुआ, उसमें उस समय भी हमें वेतन बहुत ही कम मिलती थी। इसके पश्चात 1/1/2005 से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें शिक्षा कर्मी के पद पर संविलियन कर दिया गया,
इसके पश्चात अभी जो है 2018 से सहायक शिक्षक एलबी के पद पर संविलियन किया गया। और मैं अभी जो है शासकीय प्राथमिक शाला हाटपानी उसी विद्यालय में ही कार्यरत। जी सर, तो सर सबसे पहले आपने अपनी कक्षा में किस तकनीकी उपकरण का प्रयोग करना शुरू किया था? जी, सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में एक रेडियो शासन के द्वारा मिला था। उस रेडियो में इंग्लिश शिक्षण कार्यक्रम चला करता था आधे घंटे का, और वो जो है कक्षा पहली और दूसरी के लिए था। इसके पश्चात शासन की तरफ से ही संपर्क दीदी के नाम से एक MP3 मिला। उसमें भी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी जो है वर्तमान में भी हम लोग उस माध्यम से पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उस समय हमने मोबाइल टीवी से पढ़ाना प्रारंभ किया, और उस LED टीवी जो है मीराकास्ट एक ऐप है उसमें जो है कनेक्ट करके हमने पढ़ाना शुरू किया। इसमें जो है YouTube पढ़ाई तुहार द्वार और दीक्षा ऐप जो है एक हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने उपलब्ध कराई है, जिसमें पहली से लेकर दसवीं तक विभिन्न विषय वस्तु प्राप्त हो जाता है। उसके माध्यम से मैं पढ़ाना शुरू किया, और ये जो है LED टीवी पूरे चलित वाहन पर भी बांधकर हमने पढ़ाना शुरू किया, जिसे मैंने पहले भी कहा है उससे बाइक पर ही इन्वर्टर बैटरी सेट लेकर मोहल्ले मोहल्ले तक जाकर पढ़ा रहा हूँ। सर, आपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है अपनी क्लास में? जी सर, सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में रेडियो से प्रारंभ हुआ था, जिसमें इंग्लिश शिक्षण पढ़ाना शुरू किया था। इसके पश्चात संपर्क दीदी एक MP3 प्राप्त हुआ, उसमें भी हमने गणित और अंग्रेजी निरंतर पढ़ा रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमने YouTube के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, LED TV के माध्यम से हमने उस लॉकडाउन के दौरान एक इम्प्लीमेंट किया, और हमने दीक्षा ऐप पढ़ाई तुम्हार द्वार ऐप के माध्यम से मोहल्ला मोहल्ला तक पढ़ाना शुरू किया। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं LED TV, और साथ ही मैंने एक प्रोजेक्टर भी लिया है, जिसे मोहल्ले मोहल्ले में जाकर जो एक एक मतलब हर मोहल्ले में एक से पांचवी तक के विद्यार्थी वहां पर छात्र हैं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, जी सुनना बोलना पढ़ना लिखना इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे बच्चे सुनकर बोल पाए, पढ़ लें और लिखना भी प्रारंभ कर दें। छोटे बच्चे हैं, उनको लिखना तो काफी कठिन होता है, मतलब धीरे धीरे करके उनको लिखना प्रारंभ करवाते हैं, पर इस TV के माध्यम से सुन रहे हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं। जी सर, सभी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके इसका ध्यान में रखकर पढ़ा रहे थे। तो सर, जब आप शिक्षण कार्य कराते हैं तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं? जी, जब हम शिक्षण कराते हैं तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। सर, बच्चों के सीखने में आपको क्या फर्क दिख रहा है जब से आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया था? जब ने हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, पहले की अपेक्षा जो है काफी गति से जो है बच्चे सीख रहे हैं, मनोरंजन करते हुए सीख रहे हैं, और उनको सीखने में बिल्कुल ये नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं, वीडियो देखकर सीख रहे हैं, बड़े आसानी से बच्चे सीख पा रहे हैं। तो सर, अभिभावकों का क्या नजरिया है, मतलब उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिलती है या मतलब किस तरीके से?
अभिभावकों का नजरिया तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि हमें हमेशा सहयोग देते हैं। और सबसे पहले तो जब मैं टीवी लेकर गांव मोहल्लों में निकला तो देख के पहले हंसा करते थे, अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं टीवी लेकर चल रहे हैं ये। उनको पहले तो समझ में नहीं आया, उन लोग मुस्कुराए, देखे कि ये इसमें जो है गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो अभिभावक जो है बहुत ही खुश हुए और उनके बच्चे भी खुश हुए, बच्चे काफी तेज गति से सीखने लगे। और आपको बता दो, हमारे वहाँ स्कूल के जो अभिभावक हैं, वहाँ के शाला प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, उनका भी सहयोग हमेशा हमारे स्कूल के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सहयोग मिलता है। सर, आपके इस सफर में किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है? जी सर, इस सफर में आपको बता दूं, जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो बच्चों से क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाना था, उस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बच्चों को ये ध्यान में रखना था कि कहीं कोरोना ना हो जाए। हमारा विद्यालय जो है लगभग 30 किलोमीटर दूर है, उसके लिए हम अपने घर में ही LED TV इन्वर्टर सेट बांध कर यहाँ से जाना होता था। और रास्ते में लॉकडाउन के कारण कई बार बैरिकेड लगा हुआ करता था और पुलिस जो है रोकती थी कि आप कहाँ जा रहे हो इस लॉकडाउन में। फिर भी हमने उनसे चर्चा करते हुए हमने निरंतर स्कूल के मोहल्ले क्लास तक जाकर हमने पढ़ाना शुरू किया। और शुरू में थोड़ा सा मैं डर जरूर सा गया था, क्योंकि COVID-19 जो था बहुत ही भयावह यह वायरस है जिसको बचाकर हमको चलना था, बच्चों को भी ध्यान में रखकर चलना पड़ता था, पर बिल्कुल सुरक्षित होते हुए हम बच्चों को निरंतर शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा। तो सर, आपने इस तरीके के कार्य किए हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या क्या मानते हैं आप? जी सर, हमारी उपलब्धियां तो सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, अभिभावक है जिनका हमेशा हमको सहयोग मिला, साथ ही हमारे जिले के अधिकारी हैं उनका भी हमेशा सहयोग मिला है, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी का है, कलेक्टर साहब का है, सभी का हमको सहयोग मिला है। साथ ही जिले के अधिकारी, जिला कार्यक्रम सहायक समन्वयक श्री राज चापिकर जी का, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह से सारे के सहयोग से हमको आज इस उपलब्धि मिला हुआ है, जो आज हमारे देश में पूरे भारत के लोग मुझे जानने लगे। सर, आपने इतना सब कुछ काम किया है, काफी मुश्किल सफर भी रहा है आपका, तो सर आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतना सब करने के लिए, आपका मोटिवेशन क्या है? जी सर, आपको बता दूं, मैं सबसे पहले प्रेरणा तो हमारे बच्चे हैं, बच्चों की जैसे जैसे आवश्यकता होती है हमको स्वयं में एक प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें जो बच्चे हमसे जुड़े रहें, साथ ही बच्चों की सीखने की गति जो है काफी तेज हो जाए। और अभिभावक जो हैं वो भी हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, वहां पर हमेशा उनका सहयोग मिलता है, हमारे जिले के अधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन और उनका प्रेरणा मुझे मिलता रहता है, जिसके कारण मैं नए नए गतिविधियों को अपनाकर अपने बच्चों तक लेकर जाता हूं और शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ता हूं। सर, टेक्नोलॉजी का आपने बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है, खासकर छोटे बच्चों के साथ, तो आप अपने शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं अपने शिक्षक साथियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी ऐसे नए नए शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं जिससे बच्चे आपसे बिल्कुल सरल तरीके से, सहज तरीके से जुड़ सके, और आप बच्चों तक निरंतर जुड़े रहें और बच्चों का ध्यान में रखते हुए शैक्षिक गतिविधि अपनाएं। तो सर, सिनेमा वाले बाबू क्या करते हैं? सिनेमा वाले बाबू, आपको बता दूं, एक सिर्फ एक माध्यम है बच्चों तक शैक्षिक गतिविधि पहुंचाने का,
साथ तो आपको बता रहा हूँ, हमारे बच्चे हमेशा बिल्कुल हमसे जुड़े रहते हैं। हम एक मार्गदर्शन के रूप में सिर्फ कार्य करते हैं। उस एलईडी टीवी में सिर्फ हम वीडियो दिखाते हैं, पर बच्चों की जो उनका ध्यान आकर्षण है, खुद ही ध्यान देते हुए उस गतिविधि की ओर, उस गतिविधि से जुड़ते हैं और स्वयं खेल खेल में बच्चे सीखते हैं। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो उससे पहले जो है टीवी को एक राड के माध्यम से बांधता हूँ, साथ ही इन्वर्टर बैटरी जो है सभी को बांध के मोहल्ले क्लास तक पहुँचता हूँ। और एक ही मोहल्ला क्लास नहीं, मैं प्रतिदिन जो है 3 से 4 मोहल्ला क्लास तक जाता हूँ और बच्चों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मोहल्ला क्लास में मैं एक मोहल्ला क्लास में लगभग 2 घंटे का समय देता हूँ। उसमें जो है एक तो कक्षा 1 से 5 तक होते हैं और सारे विषयों को प्रतिदिन तो नहीं ले पाता, लेकिन ये है कि सारे विषय समाहित हैं, सारे विषयों को मैं पढ़ाता हूँ। मैं जो है एलईडी टीवी और उसको तो डेली जो है बांधता हूँ सर, क्योंकि आने के बाद मुझे अपने काम से इधर उधर जाना पड़ता है, तो क्योंकि बाइक हमारे पास एक ही है तो प्रतिदिन बांधता हूँ और उतारता हूँ, और उसका चार्ज जो है अपने घर से ही चार्ज करके निकलता हूँ। और एक बार चार्ज करने के बाद दिन भर आराम से बिल्कुल मैं वीडियो दिखा कर पढ़ा सकता हूँ, उसका चार्ज जो है चार्ज बैकअप बना रहता है। मेरे मोहल्ला क्लास में लगभग 20 से 25 बच्चे आ जाते हैं, और क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं रख पाते, क्योंकि गांव में जो है जो अपने को बरामदा उपलब्ध है काफी बड़ा नहीं है, जिसके कारण 20 से 25 बच्चे ही रख कर मैं पढ़ाता हूँ वहां पर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए। सर, जब से आपने मोहल्ला क्लास लेना शुरू किया है तो आप अपनी बाइक पे एलईडी टीवी के साथ इन्वर्टर बांध के जब मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों का आपको देख के क्या प्रतिक्रिया थी, या बच्चों की उस तरीके की उस समय की कोई कहानी अगर या अनुभव आप शेयर करना चाहें? जी सर, आपको बता दूं सर, जिस समय मैं एलईडी टीवी इन्वर्टर बैटरी लेकर चला, सबसे पहले तो लोग देखा करते थे, और कई बार ऐसी भी घटना हुई कि अरे फेरी वाला इधर आओ, क्या रखे हो करके। तो हमने उनको बताया कि मैं फेरी वाला नहीं हूँ, मैं सिनेमा वाला बाबू हूँ, सिनेमा वाला गुरुजी, और बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और रास्ते में भी क्या है, अपने एलईडी टीवी के पीछे तरफ सिनेमा वाला बाबू लिख कर उसमें रखा हूँ, जिसमें लोग तो ये भी बोलते थे अरे वो सिनेमा वाला बाबू जा रहा है, बच्चे भी कहते हैं अरे सिनेमा वाले गुरुजी आ गए। हमारे बच्चों की बात हुई, साथ ही तो अभिभावक जो है जब पहली बार देखे तो अरे ये क्या कर, मतलब मुस्कुराने लगे कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं, टीवी लेके घूम रहे हैं। तो एक तो उन लोग जो है काफी आकर्षण हुए अभिभावकगण। साथ ही आपको एक और सच्ची घटना बता रहा हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा प्रमुख सचिव जब उनका दौरा था, अवलोकन था, तो मैं सलका में मेरा वहां पर प्रदर्शन था, वहां पर देख के जब सचिव महोदय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी चले गए, और आने में मुझे थोड़ी सी रात हो गई कि लगभग 7 बज रहा था, और मैं चिरमिरी के रास्ते से वापस आ रहा था। रास्ते में जब मैं चल रहा था तो हमारा कोई मोटरसाइकिल वाला पीछा किया, और आने के बाद उनका यही वक्तव्य था कि कहाँ जा रहे हो, आगे में पुलिस खड़ी है, पुलिस का चेकिंग हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं क्या अपराध किया, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। फिर जैसे मैं आगे बढ़ा वो फिर हमारा पीछा किया, फिर बोला कि आगे में पुलिस खड़ी है, बोले पुलिस की चेकिंग चल रही, कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा मैं तो अपने विद्यालय से आ रहा हूँ, कहाँ जाओगे। मैं बोला खड़गवां जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने ऐसी बात सुनी और फिर थोड़ा सा पीछे हुए, पीछे फिर देखते हैं कि पढ़ाई तुम्हार द्वार सास की प्राथमिक शाला फाट पानी। उस धुर के बाद जो है उन्होंने हमारा पीछा करना बंद कर दिया और मैं अपने घर खड़गवां पहुंच गया। तो ये लगा कि मैं जो है कुछ अनलीगल काम कर रहा हूँ, मैं मतलब जो बैटरी है
वो पूरा कवर्ड था, उनको लग रहा था कुछ न कुछ इसमें अवैध चीज रखे होंगे करके, इस तरह से शायद मुझे लगा कि वो सोच रहे थे। तो सर जब आप सबसे पहले जब आप अपना जुगाड़ बना रहे थे बाइक के ऊपर बैटरी और एलईडी टीवी लगा रहे थे, तो आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन था कि क्या कर रहे हैं? जी सर, उनका रिएक्शन यही था कि अरे ये टीवी लेके जा रहे हो, लोग क्या सोचेंगे कि क्या है टीवी में लेके, वहां रोड में घूमोगे क्या है? मतलब उनको ये लग रहा था कि मतलब ये किस तरह से पढ़ाओगे क्या है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि मोबाइल से कनेक्ट करके पढ़ाना है और ऐसा पढ़ाया जाता करके। जी धन्यवाद सर। तो आज के एपिसोड में हमने अशोक कुमार जी यानी सिनेमा वाले बाबू से हमने कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने में किया जा सकता है। आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी कहानियां देखने के लिए टेक्नोशाला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क कीजिए और बनिए डिजिटल टीचर कहानी का हिस्सा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले शनिवार 2 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।